प्रणाम। आज हम 14 गुण स्थान का स्वरूप शॉर्ट में देखेंगे। जैसे एक छोटा बच्चा पहले केजी में पढ़ता है, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टैंडर्ड के क्रम से लास्ट में संपूर्ण पढ़ाई पूरी करता है, इसे हम बच्चे का विकास क्रम कहते हैं। ठीक उसी प्रकार ये 14 गुण स्थान आत्मा का विकास क्रम है। इसी क्रम से आत्मा आगे बढ़ता है और लास्ट में मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। पहले गुण स्थान का नाम है मिथ्यात्व। जैसे एक छोटे बच्चे को कुछ भी भान नहीं होता है, वह तो विष्टामूत्र में भी हाथ डालता है, चूरी को भी पकड़ता है। ठीक उसी प्रकार जो आत्मा मिथ्यात्वी होती है, उसे पापों का सेवन करना अच्छा ही लगता है। जीवों को मारना, झूठ बोलना, चोरी करना आदि उसे बुरा नहीं लगता है। वेश्यागमन, गंदे फोटोस या मूवीज देखना भी उसे बहुत अच्छा लगता है। पैसे कमाना, प्रॉपर्टी बढ़ाना, रोटी, कपड़ा, मकान में कोई भी तकलीफ ना हो, फिर भी लालच के मारे उसके पीछे दौड़ते ही रहना, बस यही है आत्मा का बचपन। मिथ्यात्व का सामान्य अर्थ है गलत फहमी। जैसे हिंसा वगैरह नहीं करनी चाहिए, बुरे हैं, फिर भी उसे करने जैसा मानना, उसे अच्छा मानना, ये गलत फहमी ही है ना। अहिंसा वगैरह अच्छे हैं, करने चाहिए, फिर भी उसे नहीं करना, उसकी मश्करी करना, यही है गलत फहमी। इसीलिए इसका नाम है मिथ्यात्व। आत्मा को चारों गति में भटकाने वाला सबसे भयानक दोष मिथ्यात्व ही है। अनंत संसार मिथ्यात्व से ही हो सकता है, उसके बिना नहीं। दूसरे गुणस्थान का नाम है सास्वादन, जिसे हम बाद में देखेंगे। तीसरा गुणस्थान है मिश्र गुणस्थान। इस गुणस्थान में रही आत्मा को हिंसा वगैरह सभी पाप ना तो बुरे लगते हैं और ना अच्छे लगते हैं। ठीक वैसे ही अहिंसा वगैरह सभी धर्म ना बुरे लगते हैं और ना अच्छे लगते हैं। बहुत ही कम समय के लिए आत्मा को कुछ ऐसा अनुभव होता है, इसीलिए हम वो फीलिंग को पकड़ ना पाए, वो भी पॉसिबल है। टू मेक दिस मोर क्लियर, हम एक उदाहरण लेंगे। यदि अमेरिका वालों को पूछा जाए कि दाल रोटी कैसी होती है, अच्छी या बुरी, तो वे क्या जवाब देंगे? उन्होंने ना तो दाल रोटी देखी है और ना ही खाई है, इसीलिए उन्हें दाल रोटी अच्छी भी नहीं लगती, बुरी भी नहीं लगती। इसी भाव का नाम है मिश्र भाव। ध्यान रखना, पाप को पाप भी मानना और पुण्य भी मानना वो मिश्र नहीं है, लेकिन पाप को पाप भी नहीं मानना और पुण्य भी नहीं मानना वो है मिश्र। वैसे ही धर्म को धर्म भी मानना और अधर्म भी मानना वो मिश्र नहीं है, लेकिन धर्म को धर्म भी नहीं मानना और अधर्म भी नहीं मानना वो है मिश्र। अब हम चौथा गुणस्थान देखते हैं, जिसका नाम है सम्यक दर्शन। इस गुणस्थान में रही आत्मा को सभी धर्म अच्छे लगते हैं, करने जैसे ही लगते हैं, और सभी पाप छोड़ने जैसे लगते हैं। इस गुणस्थान का दूसरा नाम है अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान। विरत यानी रुकना, अविरत यानी नहीं रुकना। हमने अमुक शराबी ऐसे देखे हैं जो अब समझ रहे हैं कि शराब ने ही उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद की है, लेकिन चाहते हुए भी वे शराब को छोड़ नहीं पाते हैं। उनका पैसा गया, परिवार दुखी, स्वास्थ्य खत्म, फिर भी वे अपना शराब छोड़ नहीं पाते हैं। अविरत सम्यक दृष्टि आत्मा भी ऐसी ही होती है। वो हिंसा वगैरह तमाम पापों को छोड़ना ही चाहती है, लेकिन छोड़ नहीं पाती है। वो अपने पति, बच्चों इत्यादि पर गुस्सा करेगी, किसी को भला बुरा कहेगी, किसी के साथ गलत काम करेगी या फिर पैसों के पीछे दौड़ेगी, लेकिन मन में पछताएगी। इस आत्मा में एक बात अच्छी है तो एक बात बुरी है। उसका मन पाप के कारण रोता है, वो अच्छी बात है, लेकिन उसकी काया पापी है, वो बुरी बात है। इस गुणस्थान में काया से पाप है, लेकिन मन में पश्चाताप है, इसीलिए ये गुणस्थान महान गिना गया है। यदि आत्मा इस गुणस्थान पे मरती है तो वो नरक, तिर्यंश या फिर मनुष्य में नहीं जाती है। देवलोक में भी वो व्यंतर, ज्योतिष, भवनपति में नहीं जाती है, लेकिन वैमानिक देवलोक में ही जाती है। पंडितों सूत्र में लिखा हुआ है कि सम्यक दृष्टि आत्मा लगभग तो पाप नहीं ही करती है, और यदि करती भी है तो तीव्रता या निष्ठुरता से नहीं करती है, इसीलिए उसे कर्म का बंध भी कम ही होता है। अब हम दूसरा गुणस्थान देखेंगे, जिसका नाम है सास्वादन। यदि कोई रसगुल्ला खाता है और उसके तुरंत बाद उसे वॉमिट हो जाए,
तो उसका स्वाद बिगड़ा हुआ आता है। रसगुल्ला खाते समय उसका अच्छा स्वाद और वॉमिट के समय उसका बिगड़ा हुआ स्वाद, यही देखिए सम्यक दर्शन रसगुल्ले जैसा है। मिथ्यात्वी आत्मा जब सम्यक दर्शन ग्रहण करती है तब उसे रसगुल्ले से भी अरबों गुनी ज्यादा खुशी होती है, लेकिन जब मिथ्यात्वी आत्मा सम्यक दर्शन से पतित होती है तब सम्यक दर्शन का बिगड़ा हुआ स्वाद आता है। सम्यक दर्शन प्राप्त करते समय उसका अच्छा आस्वाद और सम्यक दर्शन खोते समय उसका बिगड़ा हुआ आस्वाद। लेकिन सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद यदि वो तुरंत ही उसे खो देता है तो वो वापस मिथ्यात्व में आ जाता है। ध्यान रखिए, सम्यक दर्शन प्राप्त करते समय उसका शुद्ध आस्वाद और सम्यक दर्शन खोते समय उसका थोड़ा सा बिगड़ा हुआ आस्वाद। उसके बाद आत्मा वापस मिथ्यात्व गुण स्थानक में आ जाती है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यदि भोजन किया ही नहीं है तो उसकी वॉमिट भी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक वैसे ही सम्यक्त्व प्राप्त किए बिना उसके आस्वाद वाला ये दूसरा गुण स्थानक पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हमने सम्यक्त्व प्राप्ति के बाद इस दूसरे गुण स्थानक की बात रखी है। सम्यक्त्व के आस्वाद वाला गुण स्थानक वह है सास्वादन गुण स्थानक। आत्मा इस गुण स्थानक में आने के बाद निश्चय ही मिथ्यात्व गुण स्थानक में चली जाती है, क्योंकि वो सम्यक दर्शन से पतित होकर आती है। लेकिन इस गुण स्थान में रही हुई आत्मा वितरागी सर्वज्ञ भगवंत को ही भगवान मानती है, संविघ्न गीतार्थ साधु भगवंत को ही गुरु मानती है और ऐसे भगवान और गुरु के द्वारा बताए हुए धर्म को ही धर्म मानती है। उसके अलावा और किसी को भी देव, गुरु या धर्म के रूप में नहीं अपनाती है। अब हम देखते हैं पांचवा गुण स्थान, जिसका नाम है देशवृत्ति। देश यानी भाग, पार्ट या अंश। पापों की थोड़ी सी वृत्ति वो है देशवृत्ति। जैसे कि यदि कोई शराबी शराब को पूरी तरह छोड़ना चाहे लेकिन वो छोड़ नहीं पाता है, तो उसके लिए वो धीरे धीरे करके शराब को छोड़ेगा। जैसे कि यदि वो पहले रोज पीता था तो अभी एक आध दिन पिएगा। क्वांटिटी वाइज देखे तो वो पहले यदि ज़्यादा पीता था तो अभी एक दो ग्लास ही पिएगा। ठीक उसी प्रकार इस गुणस्थान वाली आत्मा भी पापों को छोड़ना चाहती है लेकिन छोड़ नहीं पाती है, तो वो चींटी, मकोड़ी, कॉकरोच इत्यादि चलते फिरते दौड़ते जीवों की हिंसा का त्याग करेगा। वेश्या, परस्त्री आदि का भी त्याग करेगा, चोरी का भी त्याग करेगा। किसी को फांसी की सजा हो जाए या किसी की इज्जत चली जाए, कोई गरीब हो जाए, ऐसे बड़े बड़े झूठ का त्याग करेगा, बड़ी बड़ी चोरी का भी त्याग करेगा, अमुक फ्लैट संपत्ति आदि का ही नियम रखेगा। ऐसी आत्मा को श्रावक या श्रमणोपासक भी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं छठा गुण स्थान, जिसका नाम है सर्ववृत्ति। तमाम पापों का त्याग वो है सर्ववृत्ति। जैसे कि वो शराबी एक दिन तमाम शराब छोड़कर प्रसन्न हो जाता है, उसका परिवार उसे चाहने लगता है, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है, वैसे ही आत्मा तमाम पापों का त्याग करके एकदम प्रसन्न हो जाती है। सच्चे साधु इस गुण स्थान में आते हैं। जैसे कि शराब छोड़ने के बावजूद भी कभी कभी उसकी याद आ ही जाती है, छोटी छोटी बिन जरूरी बातें, इस तरह के प्रमाद इस गुण स्थान में आते हैं। इसीलिए इस गुण स्थान का नाम है प्रमत्त संयत गुण स्थान। प्रमत यानी प्रमाद, संयत यानी सर्ववृत्ति वाली आत्मा। सातवें गुण स्थान का नाम है अप्रमत्त संयत। इस गुण स्थान में रहने का समय भी कम ही होता है। सच्चे साधु भी ज्यादातर तो प्रमत्त संयत गुण स्थान में ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी इस गुण स्थान में आ जाते हैं। यहाँ पर प्रमाद निकल जाता है। जैसे एक अच्छा बैट्समैन भी ज्यादातर तो 1, 2 या 4 रन्स ही बनाता है, कभी कभी ही सिक्सर लगाता है। ठीक उसी प्रकार सच्चा साधु भी ज्यादातर छठे गुण स्थान में ही रहता है, कभी कभी ही सातवें गुण स्थान में आता है।